चीन मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब जो खबर वायरल है वो हैरान करने वाली है। चीन की एक कंपनी ऐसी आइसक्रीम बना रही है जो 31 डिग्री की गर्मी में भी नहीं पिघलेगी। लोगों को जब चाइनीज आइसक्रीम को लेकर शक हुआ तो लाइटर जलाकर आइसक्रीम को पिघलाने की कोशिश तक की गई, लेकिन चीन की आइसक्रीम लाइटर से निकलने वाली लौ से भी नहीं पिघली। क्या है वायरल खबर का सच, देखिए। गर्म मौसम में आइसक्रीम फ्रीजर से निकलती नहीं कि चंद सेकंड में पिघलने लगती है। आइसक्रीम कैसी भी हो, किसी भी फ्लेवर की हो, किसी तरह की हो, पिघलने की स्पीड एक जैसी होती है। लेकिन जरा ये तस्वीर देखिए, पल भर में सिगरेट सुलगाने वाला लाइटर भी आइसक्रीम की सतह को पिघला नहीं पा रहा। लगातार लाइटर की लौ लगने के बावजूद आइसक्रीम की शेप में बहुत मामूली बदलाव हुआ है। सोशल मीडिया में वायरल हो रही ये तस्वीर दुनिया को हैरान कर रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जिस आइसक्रीम पर आग भी बेअसर है, ऐसी आइसक्रीम खाने के बाद बच्चों के पेट का क्या हाल होगा? ऐसी पत्थर जैसी आइसक्रीम को भला कौन पचा सकता है? प्लास्टिक जैसी दिखने वाली ये आइसक्रीम क्या जानलेवा भी हो सकती है? वायरल तस्वीर की पुष्टि TV9 भारतवर्ष नहीं कर रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि आइसक्रीम चीन से सप्लाई हो रही है। 31 डिग्री तापमान में भी आइसक्रीम नहीं पिघलती, आइसक्रीम पर आग का असर नहीं होता। चीन की कंपनी आइसक्रीम को सुरक्षित बता रही है। वायरल तस्वीरों को लेकर कई रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की आइसक्रीम कंपनी का नाम चाइसक्रीम है। चाइसक्रीम नाम की कंपनी कई तरह की आइसक्रीम की सप्लाई करती है। कुछ लोगों ने आइसक्रीम की सख्ती और गर्मी को सहन कर लेने पर सवाल उठाए थे। दावा किया जा रहा था कि आइसक्रीम घंटों तक गर्म तापमान में नहीं पिघलती। इसके बाद कुछ लोगों ने लाइटर से आइसक्रीम को पिघलाने की कोशिश की और वीडियो पोस्ट किया। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तस्वीर में आइसक्रीम नहीं बल्कि किसी हैवी प्लास्टिक से बनी चीज हो। अब चीन की कंपनी ने इस पर सफाई भी दी है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि सभी प्रोडक्ट देश की फूड सेफ्टी नियमों के तहत बनाए जाते हैं। कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया कि इस तरह की आइसक्रीम की गुणवत्ता को आग से जांचना वैज्ञानिक तौर पर ठीक नहीं। चाइसक्रीम कंपनी ने खुद को विदेशी ब्रांड की आइसक्रीम के मुकाबले मैदान में उतारा है। दावा है कि आइसक्रीम पश्चिमी ब्रांड की आइसक्रीम के मुकाबले बेहतर है। अब चीन में लोग वायरल वीडियो देखकर डरे हुए हैं। वायरल वीडियो आइसक्रीम कंपनी के कारोबार पर बड़ा असर डाल सकता है। फिलहाल चीन में कंपनी को लेकर किसी तरह की जांच का आदेश नहीं दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।